आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वह हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है, जिसे हम प्लूटो ग्रह के नाम से जानते हैं। प्लूटो एक बौना ग्रह है जो आकार में बहुत ही छोटा सा है। इसको पहले एक ग्रह ही माना जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि इससे प्लूटो को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था वो आप इस वीडियो में जानेंगे। जब सन 1930 में प्लूटो की शोध की गई, उस वक्त प्लूटो को ग्रह घोषित किया गया था, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे खगोल शास्त्रियों में मतभेद था कि इसको ग्रह गिना जाए या नहीं। और इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह थी प्लूटो का छोटा सा आकार। प्लूटो का व्यास 2370 किलोमीटर ही है, और इस वजह से वैज्ञानिकों को यह मानने में संकोच हो रहा था कि ग्रह इतना छोटा कैसे हो सकता है। इसी वजह से यह चर्चा बहुत सालों तक चली, और सन 2006 में करीब 2500 खगोल वैज्ञानिकों के बीच में मतदान हुआ कि प्लूटो को ग्रह माना जाए या नहीं। इस मीटिंग में भारी बहुमत से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाला गया। वैज्ञानिकों की मीटिंग में ग्रहों का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 नियम या मानक तय हुए हैं, और जो भी ग्रह उसमें खरा उतरता है उसको ही ग्रह माना जाएगा। ऐसा इस उस मीटिंग में तय हुआ। वो 3 मानक इस प्रकार से है। पहला, यह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, इसका आकार इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद गोलाकार हो जाए। तीसरा, इसके इतनी ताकत होनी चाहिए कि यह बाकी पिंडों से अलग अपनी खुद की स्वतंत्र कक्षा बना सके। बताए गए नियम में तीसरे नियम पर प्लूटो खरा नहीं उतरता, क्योंकि वह सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अपनी जगह से वरुण ग्रह से टकरा जाता है। इसी वजह से यह माना गया कि प्लूटो में इतना जोर नहीं है कि वो एक ग्रह की श्रेणी में आ सके। इसी वजह से 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, और अब प्लूटो को एस्ट्रॉइड नंबर 134340 के नाम से जाना जाता है। प्लूटो एक बहुत ही छोटा सा एस्ट्रॉइड है जिसका व्यास करीब 2372 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी प्लूटो के करीब 5 उपग्रह हैं। प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9 नंबर का ग्रह था, लेकिन अब वह ग्रह नहीं रहा। प्लूटो की दूरी सूर्य से करीब 587 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। प्लूटो को यम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सौरमंडल का 2 नंबर का सबसे बौना ग्रह है। प्लूटो इतना छोटा है कि अगर पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के साथ कंपेयर करें तो यह हमारे चांद के द्रव्यमान का 65% ही है। प्लूटो का कोई वातावरण फिक्स नहीं है, क्योंकि यह जब सूर्य से दूर होता है तब इसकी सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ जम जाते हैं, और जब सूर्य से करीब आता है तो वह सारी वायु गैस में तब्दील हो जाती है। प्लूटो का औसतन तापमान -225 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी तक प्लूटो की सतह के पास सिर्फ एक ही अंतरिक्ष यान पहुंच सका है, और इसका नाम न्यू होरिजन्स है। यह यान 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था, और 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के पास से गुजरा था। इस यान की मदद से प्लूटो के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई थी। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी के 246 साल लगते हैं। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में खगोल वैज्ञानिक स्लाइट वी थॉम के द्वारा की गई थी। प्लूटो का नाम 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा वेनिशा बर्ने ने रखा था। इस लड़की ने कहा कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर भी अंधेरा रहता है। इसी वजह से इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया। प्लूटो का एक तिहाई हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जो बर्फ के रूप में जमा है, और यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के पानी के स्रोत से 3 गुना ज्यादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए स्पेस स्टोरीज।